वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, और मैं आपको वादा करता हूँ कि आने वाले 4 से 5 मिनट के अंदर आप इतना कंफर्म हो जाएं कि आप कुछ ही मिनटों में, यानी कि 4 से 5 मिनट के अंदर अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट इस पर ओपन करवा सकते हो, यानी कि फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक में अपना जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं हर बार आपके ही रिक्वेस्ट के हिसाब से वीडियोज अपलोड करता रहता हूं। तो गाइस चलिए इस वीडियो को हम यहीं से शुरू करते हैं। तो गाइस सिंपली सबसे पहले आपको करना क्या है कि अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर पर विजिट करना है और वहां से आपको गूगल पे जाना है, ठीक है। गूगल पे जैसे ही आप पहुंचते हो आपको सिंपली लिखना है फिनकेयर बैंक, ठीक है, ऐसा कुछ तो भी आपको सर्च करना है और इसके ऑफिशियल वेबसाइट को सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि 101.fincarebank.com पे आपको विजिट कर लेना है, ठीक है। जैसे आप इस पे इंटर करोगे आपको बगल में स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख रही होगी, इसकी जो यूजर इंटरफेस है कुछ इस तरह है। जैसे ही आप इस पे विजिट करोगे इसके फ्यूचर बेनिफिट साथ ही साथ इस पेज के जरिए आप इजीली अकाउंट ओपन करवा सकते हो। बेसिकली ये वही पेज है जिस पेज के जरिए आप अकाउंट ओपन करवा सकते हो। फ्यूचर बेनिफिट देखने के बाद सबसे ऊपर हम पहुंचेंगे, यानी कि इस पेज के सबसे ऊपर यहाँ पे सिंपली अपना मोबाइल नंबर इंटर कर लेना है, ठीक है। याद रहे कि ये वाला जो नंबर है आपका आधार लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पे टैप कर देना है, ठीक है। प्रोसेसिंग में चला जाएगा और कुछ ही सेकंड के बाद एक न्यू पेज ओपन होगा जो कि एक पॉपअप हम कह सकते हैं। यहाँ पे अपना आधार रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पे इंटर कर देना। इंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे वेरीफाई कर लेना है। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे आपका मोबाइल नंबर यानी कि आपने जो वेरीफाई करा है वो यहाँ पे वेरीफाइड लिखाएगा, साथ ही साथ ईमेल आईडी और इसके अलावा पैन नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना है। जैसे ही आपने पैन नंबर मेंशन कर लिया सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर टैप कर देना है, जैसा कि आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे आपको दिख रही है, ठीक है। ये सारी प्रोसीजर आपको करने हैं। उसके बाद कंटिन्यू जैसे आपने करा इंपॉर्टेंट वाला एक पॉपअप ओपन हो जाएगा इस पे, यानी कि इसमें टर्म एंड कंडीशंस या फिर कह सकते हो एग्री करने के लिए आपको एक ऑप्शंस दिया जाएगा, जो आई एग्री वाले ऑप्शंस पर टैप कर देना है। ये प्रोसेसिंग में चला जाएगा। इसके बाद फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा जहां पे आपका आधार नंबर या फिर वर्चुअल आईडी नंबर यहां पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। तो बेहतर होगा कि अपना आधार नंबर ही यहां पे मेंशन करें, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप कर दें। टैप करने के बाद फिर से एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को सिंपली आपको यहां पे इंटर कर देना है। जैसे ही आपने वेरीफाई करा, वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कस्टमर की पूरी डिटेल्स, यानी कि जैसे आप अप्लाई करते हो आधार को वेरीफाई करते हो तो भाई आपकी पूरी डिटेल्स यहाँ पे शो करेगी। पेज में आपको फोटो साथ ही साथ आपकी कंप्लीट पर्सनल डिटेल, यहाँ तक कि एड्रेस भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहता है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ साथ ही साथ आपकी रिलेशन नेम, इसके अलावा एड्रेस 1 एड्रेस 2 जो कुछ भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो यहाँ पे मेंशन की हुई रहेगी। इसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर टैप करना है। टैप करने के बाद एक फिर से एक न्यू पेज ओपन होगा जहाँ पे कम्युनिकेशंस एड्रेस के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आपको एक बार फॉलोअप कर लेना है, उसके बाद सिंपली कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर टैप कर देना। जैसे ही आप कंटिन्यू करते हो उसके बाद आप देख सकते हो एक न्यू पेज ओपन हुआ है जो कि प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन का है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे ऑक्यूपेशन साथ ही साथ एनुअल इनकम और जो कुछ भी अपनी इन्फॉर्मेशन रहती है, इसके अलावा मैरिटल स्टेटस, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन कर लेनी है, ठीक है। तो आपके अकॉर्डिंग जो कुछ भी आपके डिटेल्स यहाँ पे फिट बैठती है तो वो सिलेक्ट करके आपको सिंपली यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर टैप कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर टैप करोगे आपके सामने एक कह सकते हो रेफरल कोड वाला एक पेज ओपन हो जाएगा, या फिर कह सकते हो इस पेज में साथ ही साथ अकाउंट नॉमिनी ऐड करने का एक ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो ऐड करना आप सिंपली ऐड कर सकते हो, तो मेरे केस में मैं ऐड करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली यस वाले ऑप्शंस पर टैप करा, उसके ठीक नीचे ही आप देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है नॉमिनी नेम साथ ही साथ अपनी रिलेशंस, ठीक है। इसके अलावा नॉमिनी के रिगार्डिंग जो कुछ भी है उसकी एड्रेस भी यहाँ पे आपको सिंपली मेंशन कर देनी है, जैसा कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। उसके बाद सिंपली आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर टैप कर देना है। जैसे आपने कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर टैप करा एक फिर से एक पॉपअप ओपन हो गया जो कि टर्म एंड कंडीशंस का है, ठीक है। तो RBI की गाइडलाइन जो कुछ भी है यहाँ पे आपको पढ़ लेनी है, उसके बाद आई एग्री वाले ऑप्शंस पर टैप कर देना है, ठीक है। वेट कर लेना यहाँ पे आपको, और यहाँ पे फिनकेयर की तरफ से एक मैसेज भी आ चुका है जैसा कि आप देख पा रहे हो स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको दिख भी रहा है, और थोड़ा वेट कर लेते हैं। एक फिर से न्यू पेज ओपन हुआ है जिस पे लिखा हुआ है ऑलमोस्ट डन, ठीक है, स्टार्ट वीडियो के वाई सी। तो सिंपली यहाँ पे आपको वीडियो के वाई सी कर लेनी है, सिंपली स्टार्ट वीडियो के वाई सी वाले ऑप्शन पर टैप कर देना है। जैसे ही आप टैप करते हो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए कुछ ऑप्शन आएगा जो कि आपको फटाफट अपलोड कर देने हैं, पैन कार्ड साथ ही साथ आपका सेल्फी, इसके अलावा आपका सिग्नेचर यहाँ पे लगने वाला है, ठीक है। ये तीनों चीज़ आप पहले रेडी कर लो, उसके बाद ही आप वीडियो के वैसी के लिए अप्लाई करो। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी जो कस्टमर है वो फटाफट अपनी डिटेल्स यहाँ पे अपलोड कर रही है। एट द एंड आप देख सकते हो बधाई हो का एक मैसेज भी आ चुका है, और एंड पे आप देख सकते हो यहाँ पे थैंक यू का एक मैसेज भी आ चुका है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप भी अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हो बिना किसी देरी के। तो जैसा कि मैंने वादा किया था गाइस 4 से 5 मिनट के बाद आप खुद से ये कंफर्म हो जाओगे कि आप भी अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सको। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के जरिए कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई होगी। वीडियो अगर पसंद है गाइस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कुछ और भी सवाल होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स से कमेंट कर सकते हो, आपके हर एक कमेंट का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।